Most people will vote. I will continue in that language. Okay. आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हो क्या आप लोग? बेसिकली वह सब तो उड़िया बट हिंदी इंग्लिश चलेगा सर। हिंदी में कंफर्टेबल हो आप सब? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या हिंदी में? नहीं सर। एनीवन? नो प्रॉब्लम राइट? नो प्रॉब्लम। ओके सो आई कैन कंटिन्यू। सो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास। सो मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ पहले, और वैसे तो मैं पहले आप सभी को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग हो जो कि एक्चुअली कुछ सोचे हो लाइफ में कुछ करने के लिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन लोग को पता ही नहीं है अपने लाइफ में क्या करना है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग को एटलीस्ट आप लोग फाइटर हो, कम से कम आप लोग फाइट करना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है वो। और ये जो डिसीजन लेना टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस, इट्स रियली चैलेंजिंग। जिस तरीके का अभी सिचुएशंस वगैरह हो रहा है, वो आप लोग सब लोग एक्चुअली जो चूज किए हो जो इस बात में, वो जो बहुत ही डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली है ही, बट चैलेंजिंग है, और चैलेंजिंग काम करने में ही जिंदगी का असली मजा आता है। तो ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि आज हम लोग एक्चुअली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक्चुअली कुछ रूल्स वगैरह भी होता है, ठीक है? हम लोग जो भी क्लास करेंगे उसका कुछ रूल्स वगैरह भी होगा आपके लिए। एक सेकंड थोड़ा सा। ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, हमारी क्लास में जो भी क्लास वगैरह होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ख्याल रखना है कि लिसनिंग, लिसनिंग इज द आर्ट। आपको एकदम पूरे अटेंशन के साथ जो भी क्लास हो रहा है उसको सुनना है, बिकॉज मेरे को तो नहीं पता आप लोग का एक्सपीरियंस क्या है इसमें। तो जनरली क्या होता है, ये सब जो सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन, इसमें आपका जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। आपको हर हर चीज का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेसिक आपका जो भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, तो हर चीज का आपका एक बहुत ही मतलब एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो वो सब चीजों के लिए ना आपको अटेंशन चाहिए। तो जो भी क्लासेस वगैरह होगा ना उसको अटेंटिवली आपको पहले लिसनिंग करना है, अच्छे से सुनना है। अब जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छे से आप उसको एक्चुअली समझ पाएंगे, और उतना जल्दी उसको मतलब एक रिसर्च से पता चला है कि आप जितना अच्छा सुनते हैं तो 70% चीज वहीं पे खत्म हो जाती है। खत्म होने का इन द सेंस क्या मतलब है, 70% चीज वहीं पे याद हो जाएगा। कि अगर अब अच्छे से अगर सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मतलब बहुत ही बाद में, अगर यहाँ पे अच्छे से मतलब अगर सुन लिए हैं तो डेफिनेटली आप जब भी अपने क्लासरूम में अगर पढ़ते हैं या फिर अपने स्टडी रूम में पढ़ते हैं तो आपको वहां पे बहुत ही कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर अच्छे से आपने वो प्रेजेंट अटेंटिवली अपने माइंड को अच्छे से अगर सुना है तो, और यही अगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं सुना है और थोड़ा सा इधर उधर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्चुअल वर्चुअल क्लास हो रहा है, ठीक है? तो जनरली जो वर्चुअल क्लास हो रहा है तो इसमें तो मैं एक्चुअली आपको देख नहीं पा रहा हूँ, बट व्हाट यू आर डूइंग, आप टू बी ऑनेस्टली एक्चुअली आपको खुद के साथ ऑनेस्टली
अपने साथ रहना चाहिए और एक्चुअली क्लास को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि यही सब क्लासेस से आपका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका बेसिक फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अच्छे से सुनना है। सुनने के बाद क्यूरियसिटी एक अंदर रखना है आपको। क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ठीक है, क्यूरियसिटी मतलब क्यूरियस होना चाहिए आपको। क्यूरियस मतलब उत्सुकता, जो होता है ना उत्सुकता एक्चुअली, कि इस चीज के बाद क्या होने वाला है, इस चीज के बाद इसके आगे क्या होने वाला है। तो ये जो क्यूरियसिटी जो है, क्यूरियसिटी से ही आपका एक्चुअली डाउट आने वाला है। ठीक है, आपका जो भी डाउट क्रिएट होगा आपके मन में, तो वो अगर क्यूरियस अगर रहेंगे आप, तो उसी के बेसिस पे ही आपका डाउट वगैरह सब निकल के आने वाला है। ठीक है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लिसनिंग। आप बहुत ही अच्छे से सुनना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद क्यूरियसिटी लाइए अपने माइंड के अंदर। क्यूरियस रहिए हमेशा, इंटरेस्टिंग मतलब एक्साइटेड रहिए कि इस चीज के बाद होने वाला क्या है, क्योंकि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप उसको अच्छे से पूरा समझते हैं चीजों को बराबर, कि इस चीज के बाद ये हुआ था और मतलब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो एक्चुअली ये जो चीज है क्यूरियसिटी आपके मन में अगर होगा, तो डिफरेंट चीज आपको खुद क्वेश्चन करोगे आप, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये सब का क्वेश्चन वगैरह आएगा, और उसी क्वेश्चन से आपका डाउट्स वगैरह प्रोड्यूस होगा। डाउट्स वगैरह आप जो भी पूछेंगे, तो डाउट्स वगैरह भी आपके माइंड में आएगा, जो कि आप बाद में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और डाउट के बाद और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका होप। आप जो होप है ना, वो होप नहीं करना चाहिए आपको, उम्मीद हमेशा रखना है आपको। होप रखना है सबसे पहले भगवान की, अपने आपके जो भी भगवान को आप मानते हैं उस पे पहले होप रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले भगवान पे होप रखेंगे, दूसरा अपने आप पे रखेंगे भरोसा, ठीक है, और तीसरा शंकर सर पे, जो कि हमारे रे एकेडमी के जो फाउंडर हैं, उन पे होप रखिए। ठीक है, और फोर्थ होप मुझ पे रखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। ठीक है, आपका जो भी टीचर्स वगैरह हैं उन पे होप रखिए, वो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स वगैरह आपको यहाँ पे रे एकेडमी में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा सा मतलब फाउंडेशन आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रोंग हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप अपना होप जो है, आपका उम्मीद जो है वो इस पे रखिए, और वो जो बोलते हैं उसको 100% ट्राई कीजिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अपने अपने मतलब जो भी पढ़ते हैं उस पर ट्राई कीजिए उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और किसी भी टाइप का ऑडियो और विजुअल का अगर इशू आता है तो फ्रैंकली मेरे को बताइए आप, और कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये आपका जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ एग्जामिनेशन हो, या फिर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, वो सब में आपका हेल्पफुल होने वाला है। प्लस कोई सा भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी का अगर साइट प्लानिंग है, तो उसमें भी डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा एक्चुअली नाम है नंदू सर। एक्चुअली मैं मास्टर्स किया हूँ फ्रॉम विक्रम देव यूनिवर्सिटी, और मैं वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट भी था, और मैंने प्रीलिम्स भी दो बार मैंने क्लियर किया हुआ है, इवन मेंस भी मैंने क्लियर किया हुआ है, और इंटरव्यू भी मैं फेस कर चुका हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन था, और सिविल सर्विस में भी मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस भी रहा है गाइड करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आज का जो क्लास है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है आपसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, एनी वन कोई भी बता सकता है वन बाय वन करके, और एक टाइम पे एक ही आदमी बताएगा। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्यों हमें पढ़ना है और क्यों पढ़ेंगे हम लोग, व्हाई? एनी वन? सर हाँ, यस, सर टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट ब्रिटिश रूल। हाँ जो भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमारा फाउंडेशन क्लास है, तो बेसिकली हमको क्या है, समझना है अच्छे से चीजों को, बाद में आपका सेकंड लेवल में आपको कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, वो आपका सेकंड राउंड है। अभी बेसिकली आप पूरा कंफर्टेबली आप इंटरेक्ट कीजिए मेरे साथ, आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आपको उड़िया में बोलना है उड़िया में बोलिए, हिंदी में बोलना है हिंदी में बोलिए, और इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। सर फर्स्टली मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री
Harshly simplify it to better understand about British settlement. That means rather than आवाज नहीं आ रही आपकी शायद. हेलो हेलो सर, हाँ हेलो. एम आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ अभी क्लियर है, बताइए. जी सर, जैसे कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री हम लोग को ऐसे ब्रिटिश लोग जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, डेनिस, फ्रेंच, उनका बारे में बात चलाते हैं. और दूसरा जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. हाँ वो सब चीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंदर वो सब पढ़ते हैं. लेकिन क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहला चीज मैं आपको अगर बताऊं तो ये एक्चुअली हमारे सिविल सर्विस के सिलेबस में है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सिलेबस में है और हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, और उसके साथ साथ सिलेबस में तो है, पढ़ रहे हैं. ठीक है, और ये जो कहानी है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो एक्चुअली कहानी है, ये कहानी ही जो ये एक्चुअली एक जर्नी है जो हम लोग टोटली जो पढ़ने वाले हैं, टोटली हम लोग जो पूरा अभी पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जितना भी क्लास होगा उसमें आपको एक ही चीज सीखने को मिलेगा, एक जर्नी के बारे में आपको सीखने को मिलेगा. और वो जर्नी का नाम है कि इंडिया जो है, भारत, भारत जो पहले हुआ करता था, ये भारत, भारत का सफर, भारत का जो सफर है, जर्नी है टू बिकमिंग ए नेशन. ठीक है, भारत का वो सफर जिसके दौरान भारत बनता है एक नेशन. तो ये जर्नी के बारे में हम टोटली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं. आपको सबको समझ में आया ये वाला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अभी जितना भी जो भी क्लास होगा आपको यही समझना है कि भारत नेशन कैसे बना. हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, कुछ कहानी वगैरह. और ये पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये जो जर्नी है इसके दौरान आपको यही सीखने को मिलेगा कि आज भारत का सफर कितना आगे मतलब गया नेशन बनने के वो सफर में. ठीक है, तो हाउ इंडिया और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकेम ए नेशन, और यही जो सफर है इसी कहानी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. यही चीज एक्चुअली हम लोग सीखने वाले हैं पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अगर आप, अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग का एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री क्लासेस वगैरह हो रहा है क्या, मतलब हो चुका है या फिर हो रहा है क्या? मेडिकल हिस्ट्री हो रहा है सर. अच्छा, एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट? तो ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में अगर देखेंगे ना, एंशियंट हिस्ट्री में आप सर एंशियंट हिस्ट्री, हेलो सर. हाँ बोलिए बोलिए सर. एंशियंट हिस्ट्री का क्लास हो रहा है लेकिन मेडिवल हिस्ट्री का क्लास अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है सर. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है. आपका धीरे धीरे सब क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी. मैं एक बेसिक उसका भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह आपको देते चलूंगा, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्रोवाइडेड आप अच्छे से उसको अच्छे से सुनिए, ठीक है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या हुआ करता था. पहले चक्रवर्ती का कॉन्सेप्ट था. किस चीज का कॉन्सेप्ट था? चक्रवर्ती. ये जो भी वर्ड्स वगैरह आपको नया लग रहा है उसको आप अपने मन में डेफिनेटली 3 to 5 times उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि ये सब वर्ड्स वगैरह जो नया नया वर्ड्स वगैरह है ना, अगर आप फेमिलियर नहीं होते हैं तो उसको आंसर्स में रिप्रेजेंट भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? और बोल भी नहीं पाओगे इवन क्वेश्चंस वगैरह कोई पूछ रहा है तो. तो पहले जो एंशियंट हिस्ट्री में क्या होता था, चक्रवर्ती का कंसेप्ट था. चक्रवर्ती मतलब क्या है, उसमें बोला गया है कि जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, एंशियंट हिस्ट्री में चाणक्य के बारे में आप पढ़ोगे तो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था कि जिस राजा 1000 योजन, 1000 योजन, योजन मतलब एक योजन होता है 7 किलोमीटर, ओके, तो बेसिकली 7000 किलोमीटर ईस्ट से लेके वेस्ट और नॉर्थ से लेके साउथ में अगर उसका अगर कब्जा है, जिस राज्य का 1000 योजन पे कब्जा है इन बोथ डायरेक्शन, उसको बोलते थे चक्रवर्ती राजा, ठीक है? और उसी का साम्राज्य हुआ करता था एंशियंट हिस्ट्री का. तब इंडिया एक्चुअली उस टाइम पे नेशन नहीं हुआ करता था. कंसेप्ट क्या था? चक्रवर्ती का. लेकिन मिडिवल हिस्ट्री जब आता है, मिडिवल हिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री में
जो मिडिवल हिस्ट्री में आप में पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादातर बादशाह लोग का रूल हुआ करता है। बादशाह वगैरह आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके दिल्ली सुल्तनत के बादशाह वगैरह हो गए, या फिर चोलास, चालुक्यस, बहुत सारे आप पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में। तो उस मिडिवल हिस्ट्री के दौरान तो बादशाह लोग का ज्यादातर रूल हुआ करता था, ठीक। और ये सब हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि कैसे ये जो 1000 योजन को कैसे कैप्चर करेंगे, ठीक है। जनरली हमारा 3 रूट हुआ करता था इंडिया के आजू बाजू में, अगर देखेंगे तो एक दक्षिण पथा, ठीक है, जो नीचे दक्षिण मतलब साउथ को जो कनेक्ट करता था, जिस ट्रेड रूट को एक्चुअली टोटल मिडिवल हिस्ट्री में कंसेप्ट था कि जो ट्रेड रूट, जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट वगैरह है, जिसके रास्ते से ट्रेड्स वगैरह होता है, जिसके रास्ते से ट्रेड्स वगैरह होता है, तो वो रूट्स वगैरह अगर जिसके कंट्रोल में आ जाता है, जिस राजा उस रूट पे कंट्रोल कर लेता है, तो वो चक्रवर्ती सम्राट कहा जा सकता है, उसको सुल्तान या फिर बादशाह हम लोग कह सकते हैं। तो ये मिडिवल हिस्ट्री का कंसेप्ट था। और उस टाइम पे जो जो कंट्रोल में किए थे तो वो एक अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन किया था, बट फिर भी वो सी पे वो ज्यादातर कंट्रोल नहीं कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी, आप पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन के बारे में। तो अलाउद्दीन सी के ऊपर कंट्रोल नहीं था, बट उसका ज्यादातर इंडियन सब कंटिनेंट, उस टाइम पे तो इंडिया नहीं था, लेकिन आप क्या बोलोगे, इंडियन सब कंटिनेंट बोलोगे। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ज्यादातर अलाउद्दीन ने थोड़ा बहुत पकड़ जमाई थी। उसके बाद आता है आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान ही आपका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है आपका इंडिया, ठीक है, एज ए नेशन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है आपका वो एक क्या बनता है, उभर के नेशन बनता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? कुछ डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। यस सर, नो डाउट? डाउट नहीं है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर ओके, ठीक है। तो यही जोड़ने के बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग को यही एक्चुअली पूरा सीखने को मिलेगा कि जो चक्रवर्ती से जो कंसेप्ट चले आ रहा था, अब क्या बन जाएगा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो लास्ट में जब इंडिया आजाद होता है तो वो एक नेशन बन जाता है, ठीक है। तो यही चीज के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं हमारे अपकमिंग क्लासेस वगैरह। तो एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंडिया में आप देखेंगे मिडिवल टाइम से, मिडिवल टाइम एंशियंट टाइम से ही आप देखेंगे, इवन एंशियंट टाइम से, अगर एंशियंट में आपका जो आपके जो नंदा डायनेस्टी के बाद, नंदा डायनेस्टी जब हो रहा था तब से ही पर्शियंस, ग्रीक्स वगैरह अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर मतलब अटैक कर देते हैं इंडियन इंडियन के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। तो तभी से एक्चुअली इन्वेजन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है राइजेस, वैसे आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अभी जो हम लोग पढ़े, आप वो लिख सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज द जर्नी ऑफ भारत, भारत फ्रॉम भारत हाउ इंडिया भारत बिकम ए नेशन। ओके, दैट्स द जर्नी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं ये जो आपको सबको बताया, इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया में सिंस एंशियंट टाइम से ही फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है मतलब बहुत सारे लोग नॉर्थ वेस्ट से, सेंट्रल एशिया से आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी इंडिया को। तो ये क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आपका क्वेश्चन आता है कि इंडिया को क्यों हमेशा फॉरेनर्स लोग इन्वेड करते थे, मतलब अटैक करते थे, वो क्यों करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, आप सब वो हेडिंग दे सकते हैं कि वाई फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। तो इंडिया में जो फॉरेन इन्वेजन वगैरह हुआ है वो क्यों हुए थे, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज, तो इंडिया को एक्चुअली उस टाइम पे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, ठीक है, गोल्डन स्पेरो भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह था उसी की वजह से कहा जाता था इंडिया को सोने की चिड़िया। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो था इंडिया के पास आप अगर हिस्ट्री मतलब अगर ज्योग्राफी अगर आपका क्लास वगैरह हुआ है तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारा इंडिया में दोआब्स वगैरह है। दोआब्स, दोआब समझते हैं, जो दो नदी का, दो नदी जो दो नदी के बीच का जो भी रीजन वगैरह है, ठीक है, उसको दोआब दोआब कहते हैं, ठीक है।
ये दुआब इंडिया में बहुत सारे दुआब्स वगैरह है, और जितना दुआब होगा उतना आपका लैंड फर्टाइल होगा, दो नदी के बीच वाला जितना भी एरिया होगा वो फर्टाइल लैंड होगा, और उस पे आप अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हो, तो वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, और जितना ज्यादा अच्छा इकोनॉमी है एक देश का उतना अच्छा वो पॉलिटिकली स्टेबल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अगर पैसा है तो डेफिनेटली वो उसके पास आर्म्स अम्यूनिशंस वगैरह भी जो भी उस टाइम का उस टाइप का टेक्नोलॉजी मतलब जो उस टाइप में चल रहा था वो ज्यादा रख सकता है। वो इकोनॉमिकली अगर स्टेबल होगा तो वो जो भी बाहर से अटैक वगैरह होगा तो उसको रेजिस्ट कर पाए। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस जो हुआ करता था इंडिया में, जो दुआब के क्षेत्र वगैरह हुआ करते थे, इवन मिनरल रिसोर्सेस वगैरह भी इंडिया में बहुत सारे हैं। आप अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे मिनरल्स के बारे में तो बहुत सारे मिनरल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि आयरन वगैरह हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, गोल्ड हो गया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स वगैरह के बारे में भी आप पढ़ते हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स वगैरह और ये दोआब्स वगैरह नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह होने के कारण ये फॉरेन का इन्वेजन वगैरह हो रहा था। ये सबसे पहला इंपोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं आप। दूसरा इंपोर्टेंट चीज क्या है? ट्रेड। ठीक है, जब भी जो अरब्स लोग ट्रेड करते थे तो ट्रेड रूट जो था वो जनरली पहले के जमाने में समंदर के किनारे किया जाता। समंदर के जो सी के साइड में कोस्टल एरियाज वगैरह में उन लोग जहाज को लेके चलते थे, क्योंकि वो समंदर में उस टाइप का टेक्नोलॉजी नहीं था। तो इन लोग समंदर के किनारे किनारे जहाँ की फिजिकली फिजिकली सीप वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह आराम से एक बहुत ही लंबा डंडा के मतलब स्टिक के सहारे वो चला करते थे और ट्रेड किया करते थे अरब्स वगैरह। ठीक है, और सेकेंडली जब इनलैंड ट्रेड जब करते थे, इनलैंड ट्रेड कब कर पाएंगे? जब मानसून आता है। मानसून मानसून मतलब बारिश का सीजन जो आता है, ये जो मानसून आता है ये मानसून के वजह से क्या होता है कि जब जब मानसून आएगा तो ये अरब ट्रेडर्स वगैरह क्या करते थे, वहीं से गुजरते थे अपना सीप वगैरह को ले, क्योंकि समंदर के बीचों बीच वो एक्चुअली फिजिकली सीप को मैनेवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर आप अगर रिवर में अगर करते हैं तो आसानी से आप चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ये जब भी अरब के ट्रेडर्स वगैरह हुआ करते थे तो ये क्या करते थे, जब मानसून आता था तो इंडिया में मानसून का सीजन जैसे ही आता था तो वो चलते थे उसी रास्ते पे, नदी नदी के रास्ते पे चलते थे और एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह, इवन आपके साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया अगर आपको पता ही होगा, साउथ ईस्ट एशिया वैसे मैं अगर आपको मैप दिखाऊं, एक सेकेंड, हाँ ये एक्चुअली ये हमारा मैप है। मैप सबको क्लियर दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो ये जो इलाका था सेंट्रल एशिया वाला इलाका या फिर अरब्स वगैरह जो जहाँ पे ज्यादा रहते थे, ये इलाका से ही लोग एक्चुअली ट्रेड करते थे यहाँ तक। ठीक है, ये वाला इलाकों के कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया। ये टोटल एशिया है हमारा और एशिया का साउथ ईस्ट पोर्शन है ये, और यहाँ पे उन लोग ट्रेड वगैरह करते थे। और जब भी ट्रेड करने का होता था तो ये जो बीच में जो इंडिया वाला जो रीजन है, इंडियन सब कंटिनेंट, उस टाइम पे तो इंडिया नहीं था, इंडियन सब कंटिनेंट ही आप बोलोगे, तो इंडियन सब कंटिनेंट से ही वो एक्चुअली पास होके जाते थे। तो जो रूट्स वगैरह ट्रेड का रूट्स वगैरह जो कनेक्ट होता था ये इंडिया से ही होता था। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर राजा को अगर चक्रवर्ती बनना है या फिर राजा को ज्यादातर ट्रेड पे अपना आपकर पकड़ बनाना है तो वो ट्रेड रूट्स पे एक्चुअली उसको पकड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाता है आपका, ये ट्रेड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड इम्पोर्टेंट रीजन वाई फॉरेन इन्वेजन हो रहा था वो था ट्रेड और मानसून। जो मानसून के वजह से क्या होता था, उन लोग ट्रेडर्स लोग को आसानी होता था एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान वगैरह को मतलब ट्रेड करने के लिए ओवरऑल उनको इजी हो जाता था। ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन की अगर बात करें, तीसरा रीजन तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आपका थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक्चुअली देखा जाता है कि जनरली जो एक कंट्री का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का टोटल जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस सब चीज का एक्चुअली एक बैलेंस जो हिसाब किताब होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तब हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ करता था, एक्सपोर्ट बहुत हुआ करता था, एक्सपोर्ट बहुत करता था इंडिया, और उस टाइम पे जो इम्पोर्ट हुआ करता था, इम्पोर्ट हम लोग बहुत ही कम,
हमारा उस टाइम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी हुआ करता, पूरा के पूरा सेल्फ सफिशियंट, ठीक है, किसी के ऊपर हम लोग निर्भर उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। तो हमारा इम्पोर्ट था नहीं कुछ, इम्पोर्ट वगैरह उतना हुआ करता नहीं था, और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा ही था। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन हो जाता है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो इंडिया के फेवर में था, इंडिया के फेवर में था, और सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी था, जिसके वजह से जो बाहर के जो भी फॉरेनर्स थे उनका उनका हमेशा से नजर इंडिया के ऊपर था, और हमेशा से इन्वेड वगैरह भी चल रहा था। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या सबको, फॉरेन इन्वेजन क्यों हो रहा था? ये तीन बेसिकली मेन रीजन थे। ठीक है, कुछ डाउट है क्या इसमें से? कुछ किसके डाउट है तो पूछ सकता है। हेलो, एम आई ऑडिबल? ये सर, अगर आप सर ट्रेड मॉनसून के बारे में और एक बार। ट्रेड, हाँ, जो ट्रेड होता था, मैं जो बोला, जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर एक राजा को अगर ट्रेड रूट पे और उसका अगर अच्छा पकड़ है, ट्रेड रूट उसके अंडर पे है, तो वो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकता है, और ट्रेड को जो कंट्रोल कर सकता है वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है, और किसी भी चीज ना इकोनॉमी से ही इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। तो जिसका पकड़ ट्रेड पे जितना अच्छा होगा उसका इकोनॉमी उतना अच्छा, और जिसका इकोनॉमी अच्छा होगा वही एक पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट बना सकता है। जो कि जो भी ट्रेड रूट वगैरह था वो इंडिया से ही गुजर के जाते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी नदी वगैरह हैं, तो जो भी नदी वगैरह आप देख लीजिए, इंदस इंदस नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो आप किसी भी नदी में आराम से आप लोग जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो मानसून, मानसून ने क्या किया, ईस्ट को वेस्ट से जोड़ दिया, ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट कर दिया, और वो कनेक्टिंग लिंक कौन था, कनेक्टिंग लिंक था इंडिया, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट था वही लिंक करता था ईस्ट को वेस्ट के साथ। ठीक है, तो यही जो लिंक करता था, तो डेफिनेटली किसी को भी अगर व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो वो इंडिया दे के ही गुजरे। एक तो ऊपर है जो कि सिल्क रूट हुआ करता था, चाइना की तरफ से जाता था, और दूसरा हमारे इंडिया की तरफ से जाता था, तो उसी के लिए भी इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है, ट्रेड अच्छा हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छा है, तो ये सब चीज जो भी फैक्टर्स वगैरह था वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और की डिसाइसिव फैक्टर है, और जो कि मतलब अगर किसी को भी अच्छा खासा पैसा कमाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आगे पढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर मिलना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेड हो सकता है, मार्केट से अच्छा एक्सेसिबिलिटी हो सकता है, मार्केट आराम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छा है। कि तो आप यही सब रीजन आप वहां पे लिखेंगे कि फॉरेन इन्वेजन जो हो रहा था इंडिया में क्यों हो रहा था। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, अब जो नेक्स्ट है, जो इन्वेजन हो रहा था वो टू टाइप्स ऑफ इन्वेजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, टू टाइप्स। तो एक इन्वेजन जो हो रहा था, जो नॉर्थ वेस्ट से हो रहा, नॉर्थ वेस्ट मतलब मैं अभी जो दिखा रहा था ना, अरब्स वगैरह जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो अरब्स वगैरह जो ट्रैवल करते थे या फिर बाहर से जो भी हमारा इन्वेजन हो रहा था, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन से या फिर सेंट्रल एशियन रीजन से आप कह सकते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट से सारा का सारा इन्वेजन वगैरह हो रहा था अप टू फिफ्टींथ सेंचुरी का अगर बात करेंगे। सेंचुरी सबको पता है ना, 15th सेंचुरी तक, 15वां सेंचुरी मतलब आप कह सकते हैं कि अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो 15th सेंचुरी तक नॉर्थ वेस्ट से सकास, इंडो ग्रीक्स, सीथियंस, यवनस, ये सब पढ़ेंगे आप मीडियावल हिस्ट्री में, तो ये सेंट्रल एशियन नॉर्थ वेस्ट से बहुत सारे इन्वेजन वगैरह होना स्टार्ट हुआ है 15th सेंचुरी तक। ये नॉर्थ वेस्ट से ही ज्यादातर आना शुरू किए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक इन्वेजन होता है 1498 जो कि एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो 1498 में ऐसा क्या हुआ था, जो वास्को डागामा, आप लोगों ने सुना ही होगा वास्को डागामा के बारे में, तो वास्को डागामा एक्चुअली यूरोप से इंडिया आए थे। ठीक है, 1498 में
और यही जो इवेंट है जो कि यूरोप से, यूरोप को इंडिया से जोड़ता है, यूरोप को इंडिया से कनेक्ट कर देता है। तो ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का, जब वास्को डा गामा एक पोर्तुगीज सेलर थे, वो पोर्तुगीज व्यापारी भी बोल सकते हैं उनको, पोर्तुगीज बिजनेसमैन। ये पोर्तुगीज बिजनेसमैन जो थे ये आते हैं पोर्तुगाल से। आप अगर देखेंगे, वन सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे है पोर्तुगल, आप देख सकते हैं, थोड़ा रुकिए एक सेकंड। हेलो, यस सर, एम आई ऑडिबल? यस यस सर, यस सर। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है, कोई है? यस सर, ऑडिबल। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जो वास्को डगामा थे 1498 में, पोर्तुगल जो कंट्री है यूरोप का, उस यूरोप कंट्री से वो, ये अफ्रीका दिख रहा है आपको, ये है पोर्तुगल। एक सेकेंड थोड़ा सा। ये पोर्तुगल है, आपको दिख रहा है, ये पोर्तुगल, पोर्तुगल और स्पेन एक साथ है यहाँ पे, ये वाला रीजन। ये यहाँ पे पोर्तुगल लिखा हुआ है, ठीक है, और एरो से इंडिकेट हुआ है। तो यहीं से पोर्तुगल से वो सेलर यहाँ से ऐसे घूम के, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपोल यहाँ पे जो हुआ करता था, तो वो एक्चुअली डिक्लाइन हो जाता है कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो वो डिक्लाइन होने के बाद क्या होता है, तो जो लैंड रूट्स वगैरह था, लैंड रूट जो यूरोप को इंडिया से जो कनेक्ट करता था, वो लैंड रूट पे वो मोनोपोली कर लेते हैं अरब्स वाले, जो कि अलाउ नहीं करते यूरोपियंस को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर। तभी क्या होता है कि ये जो ओशियन समंदर जो है, वहां से आपका मतलब खोज शुरू होता है, खोज मतलब सब लोग खोज करते हैं इंडिया की ओर, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स वगैरह के खोज होता है, जिसमें कि आपको सुनने को मिलता है कि कोलंबस बाद में इंडिया की खोज में वो अमेरिका का खोज कर देते हैं, फिर ये जो हमारे वास्को डा गामा हैं जो पुर्तगाल हैं, वो निकलते हैं यहाँ से, और फिर से ऐसे 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 करके फिर इंडिया इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 1498 में जो वास्को डा गामा आए यूरोप से इंडिया, फिर इंडिया से फिर से वो वापस गए, इंडिया से वो फिर से जब वापस गए, और उनका जो भी जितना भी खर्चा था, जितना भी खर्चा था, सारा का सारा खर्चा निकाल देने के बाद में, सारा का सारा जाना आना, ट्रांसपोर्ट कोस्ट, रहना का जो भी हाउस का रहने का कोस्ट, सब निकालने के बाद जब यूरोप पहुंचे, तो उनको 6000% का प्रॉफिट हुआ। 6000%, 60 टाइम्स प्रॉफिट वास्को डा गामा को हुआ इंडिया से, जब वो जो चीज लेके गए थे वो यूरोप में, और वहां पे जो ट्रेड किए वो बेचे। तो तब यूरोप में पता चला कि बाप रे, गजब का ट्रेड वगैरह हो रहा है वहां पे।
60 times प्रॉफिट हो रहा है, 6000% मोर प्रॉफिट। तो ये जो पैसा है ना सबका, अच्छे अच्छे लोगों का भी नीयत खराब कर देता है। तो यूरोप से बाद में सबको पता चलने मतलब इंडिया का जो पोटेंशियलिटी है उसके बारे में सबको अंदाजा हो गया कि इंडिया में कितना पोटेंशियलिटी है और कितना फायदा हो सकता है अगर हम लोग इंडिया पे, अगर एक बार इंडिया पे जाके अगर वहां पे हम लोग ट्रेड अगर स्टार्ट करते हैं तो कितना फायदा हो सकता है, ये सबको पता चल गया था इस इवेंट के बाद, 1498 के इवेंट के बाद, जो कि यूरोप को सीधा कनेक्ट कर देता है इंडिया के साथ। पहले के जितना भी हम आप लोग पढ़ेंगे, अभी जितना भी मिडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, तो जो भी इन्वेजन वगैरह हुए थे, जितने भी इन्वेजन वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे, वो सारा का सारा इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट से हुआ था, सेंट्रल एशिया से हुआ था। ठीक है, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से होता है। लेकिन ये जो इवेंट है 1498 में, जो वास्को डगामा जो आते हैं पोर्तुगल से, और फिर वहां से 60 times प्रॉफिट उनको वो जो कमाने को मिलता है, तो सारे के सारे यूरोपियंस का मुंह खुल जाता है, वाह रे कितना मजेदार ट्रेड हो सकता है अगर हम लोगों का पकड़ इंडिया पे अगर हो गया तो हम कितने मालामाल हो जाएंगे, ये सबको पता चल जाता है। और जब ये पता चल जाता है तब स्टार्ट होता है एक रेस, रेस स्टार्ट होता है कि इंडिया पे अब कब्जा कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो इंडिया पे कब्जा बनाने के लिए सबसे पहले ये पोर्तुगीज वाले आते हैं 1498 से, वो अब एक बार चख लिए हैं स्वाद, चख लिए हैं, तब छोड़ने वाले तो है नहीं। तो जैसे ही वास्को डगामा गए तो फिर अल्बुकर्क आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर जनरल पोर्तुगीज वाले आएंगे, तो बाद में पोर्तुगीज के बाद डच आते हैं, डच के बाद इंग्लिश जो ब्रिटेन वाले आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, नेदरलैंड, मतलब सब लोग अपना अपना ट्राई करते हैं कि इस सब कंटिनेंट पे अगर हम लोग अपना पकड़ बना लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन हो जाएगा, एक विन विन, मतलब बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है और पैसा भी जबरदस्त छापने वाले हैं उन लोग। तो इस टाइप का चीज वगैरह एक मन में बैठ गया। फिर रेस स्टार्ट होता है, ये यूरोपियंस वगैरह बाद में कोलोनाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं इंडिया के ऊपर। सबसे पहले ये जो आते हैं ये विद फोल्डेड हैंड आते हैं, फोल्डेड हैंड्स मतलब बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही सबमिसिव, मतलब बोलते हैं ना, मतलब बहुत एकदम हाथ, दोनों हाथ को फोल्ड करके और आते हैं एज ए ट्रेडर, एज ए बिजनेस करने के लिए वो एक्चुअली आते हैं। बट धीरे धीरे जैसे ही उनको पता चलता है कि इंडिया का जो राजा है वो अब कमजोर हो गया है, तो वो पॉलिटिकल फील्ड में भी अपना डोमिनेंसी को दिखाने लगे, पॉलिटिकल फील्ड में, और धीरे धीरे वहां पे पॉलिटिक्स में भी घुस के पूरा का पूरा बाद में कॉलोनाइजेशन कर लेते हैं। और कॉलोनाइजेशन के रेस में सबसे आगे हो जाते हैं अपना इंग्लिश, ब्रिटेन। ठीक है, तो ये जो चीज है, तो ये जो इवेंट था बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था, 1498 का इवेंट जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। तो 1498 का जो इवेंट था यहाँ पे, फोर्टीन नाइनटीन एट का इवेंट जो था वो यूरोप को सीधा इंडिया में कनेक्ट करता है। और ये इवेंट क्या करता है, ये इवेंट 60 times जो प्रॉफिट कमाया वास्को डगामा ने, तो ये यूरोप में खलबली मचा देता है कि इंडिया में अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। और जिसके रेस में बाद में रेस स्टार्ट होता है आपके, पोर्तुगीज स्टार्ट करते हैं अपना रेस वगैरह, पोर्तुगीज स्टार्ट करते हैं, पोर्तुगीज के बाद फिर से डच आते हैं, डच के बाद इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश के बाद फ्रेंच आते हैं। ठीक है, और पोर्तुगीज जैसे ही आता है इंडिया में, पोर्तुगीज जैसे ही आएगा इंडिया में, तो 1498 में तो वो आए, 1498 में आए और फिर गया वास्को डगामा यूरोप, और फिर उसके बाद 1503 में फिर वापस इंडिया आ गए और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को समझने लगे, इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने के बाद विद इन 1510 में अल्बुकर्क नाम का एक गवर्नर जनरल आता है और वो गोवा को कैप्चर कर लेता है। देखिए, जैसे ही आए और वैसे ही दिमाग में बैठ गया कि अगर ट्रेड पे पकड़ बिठाना है तो पॉलिटिकल चीजों में अगर पूरा का पूरा एरिया का अगर हमारे अंडर में होगा तो ट्रेड कितना बढ़िया व्यापार मस्त हो सकता है। तो यही जो चीज था उसी की वजह से अल्बुकर्क पहले बीजापुर, बीजापुर एक साम्राज्य है इंडिया को अगर देखेंगे आप, इंडिया तो गोवा वाला जो रीजन है, कर्नाटका गोवा वाले रीजन के पास, वहां पे
आपको देखने को, ये अगर इंडिया है, मैं यहीं पे अगर बता दूं आपको, ये अगर हमारा प्यारा भारत है, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, यहाँ पे पहले बीजापुर का मतलब बीजापुर कहा कह, मतलब बीजापुर में आदिल शाह रूल करते थे, और आदिल शाह जो रूलर थे इनसे छीन लिया गया ये गोवा, अलबुकर छीन लेते हैं 1510 में। मतलब विद इन, देखिए मतलब कितना कम टाइम में पॉलिटिकल में उन लोग अपना इंटरफियर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है 1510 में। और आप देखेंगे पोर्तुगीज के बाद फिर से आपके पोर्तुगीज जो आते हैं, पोर्तुगीज का जो भी आप देखते हैं, पोर्तुगीज के बाद आते हैं डच, ठीक है डच के बाद आते हैं इंग्लिश, हमारे ब्रिटेन के जो भी हैं उसको इंग्लिश में, चलिए इंग्लिश ही लिख दिया, और उसके बाद आते हैं फ्रेंच, ठीक है। तो ये सब चीज धीरे धीरे आते हैं और देखते हैं कि हम कितना ट्रेड वहां पे कर सकते हैं, कितना पॉलिटिकल डोमिनेंसी वहां पे कर सकते हैं। और जब भी ट्रेड करने आते हैं तो फोल्डेड हैंड आएंगे। तो जब पोर्तुगीज और इंग्लिश डच उस टाइम पे जो अप्रोक्सीमेटली एक ही टाइम, मतलब पोर्तुगीज बाद में डच आते हैं, फिर 1600 और इंग्लिश मैन भी आने लगते हैं, तो ये जब भी आएंगे तो ये सब उस टाइम पे जो राजा थे तब जो मुगलों का शासन चल रहा था, मुगलों का, तब अकबर, अकबर के बाद जहांगीर आते हैं। तो ये अकबर और जहांगीर के पीरियड में, एक्चुअली अकबर और जहांगीर और उसके बाद मतलब पोर्तुगीज के टाइम पे तो अकबर थे, बाद में डच और इंग्लिश जो आते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं, ठीक है। पोर्तुगीज डच वगैरह 1595 के आसपास से लेके 1600 आप कुछ बोल सकते हैं उस टाइम पे आते हैं, लेकिन पोर्तुगीज 1498 से ही स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 100 ईयर्स पहले। फिर 100 ईयर्स इन लोग तो सब करते ही बस 100 साल के बाद ये डच वाले, फिर इंग्लिश वाले भी 1600 के आसपास इंडिया में आना स्टार्ट कर देते हैं, फिर फ्रेंच वाले थोड़ा लेट आते हैं 1664 के आसपास। ये डिटेल मैं पढ़ाऊंगा, बस ये जस्ट बैकग्राउंड एक बता रहा हूँ टोटल। तो ये जो यूरोप वाले आए, धीरे धीरे आए, आने के बाद हुआ क्या, 1595 में डच आया, 1600 में इंग्लिश वाले आए। तो इस टाइम पे जब इंग्लिश डच वगैरह, जब यूरोपियन का नंबर जब बढ़ गया तो कंपटीशन हो जाए, कंपटीशन बढ़े, सबको लग गया कि हम लोगों को अच्छा ट्रेडिंग राइट मिले, हम लोगों को अच्छा रीजन मिल जाए जहाँ की अच्छे से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग अपने अपने एम्बेसडर्स वगैरह, जैसे कि ब्रिटिश के सर थॉमस रॉय, विलियम हॉकिंग्स, ये सब आते हैं जहांगीर के दरबार में, एक्चुअली आते हैं विद ए फोल्डेड हैंड्स, ऐसे पूरा फोल्ड करके अपने हैंड को आते हैं और राजा के पास जाके बोलते हैं कि राजा हम लोग तो आपके लिए गिफ्ट लेके आए, बड़ा बड़ा गिफ्ट लेके आते हैं, बड़ा बड़ा गिफ्ट वगैरह, प्रीशियस गिफ्ट वगैरह ला के राजा को देते हैं खुश करने के लिए। क्योंकि राजा अगर खुश तो आपको वो रियायत देगा, रियायत मतलब आपको बेनिफिट्स देगा, फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करेगा और आपको परमिट देगा कि आप ट्रेड कर सकिए, तो राजा को खुश करने में लग गए, ठीक है। तो गिफ्ट वगैरह ना, कोई भी अगर आपकी जिंदगी में कोई गिफ्ट वगैरह दे रहा है आपको, तो उसके पीछे एक डेफिनेटली एक रीजन होता है, वो गिफ्ट दे क्यों रहा है, डेफिनेटली उसको कुछ चाहिए तभी आपको वो गिफ्ट दे रहा है। तो आप जब सिविल सर्वेंट होते हैं, जब सिविल सर्विस में आप जाएंगे करेंगे, तो बहुत सारे लोग आपको गिफ्ट लाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिशियंस वगैरह भी आपको गिफ्ट देंगे ताकि उनका काम निकलवाने के लिए, ठीक है। तो गिफ्ट भी हर किसी से लिया नहीं जाता, ठीक है। ये आपको जो गिफ्ट लेना है ना, आपको चूज करना पड़ेगा, चूजी होना पड़ेगा, चूज करके आपको गिफ्ट लेंगे, और कितना लेंगे वो भी डिपेंड करता है। तो गिफ्ट भी हर किसी से लेने की बस की चीज नहीं होती है, और लेने भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आए ये हमारे यूरोपियंस में आपके पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच जो आते हैं, तो ये सब लोग राजा के पास आते हैं, उनके एम्बेसडर्स वगैरह आते हैं और राजा को खुश करने के लिए गिफ्ट वगैरह लाते हैं, और विद अ फोल्डेड हैंड उनको बोलते हैं कि हमको व्यापार करना है, हमको ट्रेड करना है, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको ये गिफ्ट देंगे, वो देंगे, फलाना ढिमका, ये सब चलते रहते हैं और उसको खुश करने में बैठ जाते हैं। तो ये चलते ही रहता है। और जैसे ही पोर्तुगीज आए 1510 में, गोवा को जीत लिए वो लोग, गोवा को अपने कंट्रोल में कर ली, ठीक है। अब गोवा तो जीत लिए, अब सोचे कि चलो अच्छा अच्छा रीजन को अपने हाथ में कंट्रोल में लाते हैं। तो 1636 में पोर्तुगीज ट्राई करता है, 1636 में पोर्तुगीज ट्राई करता है हुगली पे, हुगली को जीतने के लिए। हुगली एक्चुअली बंगाल का एक्चुअली एक रीजन है, वेस्ट बंगाल का, अभी जो वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं उसी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, उस टाइम पे बांग्लादेश वेस्ट बंगाल सब मिलके हुआ करता था।
तो उसी के पास हुगली नाम का एक्चुअली एक रीजन हुआ करता था जिसको जिसको पोर्तुगीज चाहता था कि वो मेरे कंट्रोल में हो जाए। 1636 में हुगली पे एक्चुअली कैप्चर करना चाहते थे लेकिन कैप्चर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो इंडिया में इंडिया के सेंटर पे एक खतरनाक राजा बैठा करते थे, ठीक है। उस टाइम पे, उस टाइम पे अगर देखेंगे तो उस टाइम पे 1636 का बात है, तब औरंगजेब बैठा हुआ करते थे, औरंगजेब। और औरंगजेब जब थे तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे वो औरंगजेब, तो वो फेल हो गए, हुगली को कैप्चर नहीं कर पाए पोर्तुगीज। फिर 1687 में इंग्लिश जो ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश कंपनी, ये ट्राई करता है हुगली को जीतने के लिए। 1687 में इंग्लिश वाले भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वहां पे हमारा जो मुखिया है इंडिया का मुखिया उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आपके जो सोसाइटी हो या फिर आपका फैमिली हो, तो आपका जो मुरब्बी, ओडिया में तो मुरब्बी बोलते हैं, जो हेड है, प्रिंसिपल जो है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कंट्री में उसका जो हेड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो हर चीज को वो कंट्रोल कर सकता है, संभाल सकता है। लेकिन वो जैसे ही वीक होना शुरू हो जाता है, आप पढ़ेंगे लेटर मुगल्स, हम लोग पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, कि जो औरंगजेब जब मर जाता है, औरंगजेब के मृत्यु होने के बाद, उसके बाद जो मुगलों के जो भी सक्सेसर्स वगैरह आते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। वो इतना अच्छे से पकड़ नहीं बिठा पाते, उनका उतना आइडिया भी नहीं होता है, वो केपेबल नहीं होते। और 1687 के बाद जब इंग्लिश हार जाता है तब वो साइलेंट हो गया, सारे के सारे यूरोपियन साइलेंट हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल चीजों में हम लोग अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी भी चीजों में हम लोग अब मतलब अपना बस ट्रेड करेंगे और राजा को वो ट्रेड करने के लिए परमिट वगैरह मांग के ट्रेड करेंगे, ऐसा चलते रहता है। तो यही चीज चल रहा था और पूरा का पूरा साइलेंट हो जाता है क्योंकि वो देखते हैं कि गद्दी पे एक बढ़िया राजा बैठा है जो कि हमको और जीतने देगा नहीं। तो ये पोर्तुगीज, इंग्लिश, ये सब लोग क्या कर होते हैं, वो सब साइलेंट हो जाते हैं, लास्ट में चुपचाप देख रहे हैं हर चीज देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है कब, 1739 में होता क्या है, बैटल ऑफ करनाल। मेरे साथ रिपीट कीजिए, जो भी बोल रहा हूँ ना उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि ये सब चीज इतना कंफ्यूजिंग लगेगा आपको बाद में, बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा, इसीलिए हर चीज को जितना रिपीट करते हैं उतना फेमिलियर होंगे आप। लास्ट में जब एग्जामिनेशन जब आप बैठेंगे ना, एटलीस्ट 30 times आप अगर रिविजन नहीं करते हैं तो आपको ना तब तक ना कंफर्टेबल नहीं लगता है। 30 times मैं बोल रहा हूँ, 30 times आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि आपको जितना रिवीजन करेंगे ना उतना परफेक्शन आता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना परफेक्शन। प्रैक्टिस बहुत ही कमाल का चीज है। वैसे तो आप सब लोगों ने वो कहानी आपको पता ही होगा कि एक टाइम पे हुआ क्या था कि एक एक बहुत ही बड़ा पहलवान, एकदम हृष्ट पृष्ट, एकदम गोल्ड मेडल जीत के आया हुआ पहलवान है, वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाला पहलवान। तो उस टाइप का पहलवान गांव में आया हुआ था। गांव में जैसे ही वो आया तो वहां पे बढ़िया लंबा चौड़ा पूरा बॉडी का सब प्रदर्शन किया, दिखाया अपना बॉडी, और उसके बाद एक प्रवचन दिया। प्रवचन देने के बाद में वहां पे एक नींबू था, उस नींबू को निचोड़ लिया, पूरा अच्छे से निचोड़ा, और वहां पे बोल दिया कि जो इस नींबू से 2 बूंद नींबू निकाल के दिखा देगा तो मैं अपना मुच्छी मुंडवा दूं, ठीक है। और जस्ट वो बोला है और जस्ट 5 seconds, विद इन 5 seconds एक बहुत ही छोटा सा आदमी, बहुत ही छोटा, ठीक है, बावना टाइप का आदमी है, वो चल चल के आया फटाक से और नींबू से 2 बूंद नींबू निकाल दिया और चले भी गया। तो उसको बुलाया, ए रुक रुक रुक, तू है कौन भाई, तू 2 बूंद कैसे निकाल दिया। जब पूछे उसको तो वो बोला कि अरे यार मैं तो चना बेचने वाला हूँ, मेरा तो हर दिन का काम है, मैं तो वो सुबह शाम हमेशा वो मैं वो नींबू निचोड़ता रहता हूँ। तो वो जो प्रैक्टिस है ना, वो जो प्रैक्टिस किया था वो चना बेचने वाला, वो उसका काम है डेली, वो 100-200 नींबू निचोड़ता होगा। तो ये प्रैक्टिस जो किया था वो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो पहलवान ने जो नींबू निचोड़ा था उसके बावजूद भी वो नींबू को निचोड़ लिया। तो चीज क्या है, जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं
जितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, जितना अच्छे से रिवीजन करते हैं, वही अल्टीमेटली आपका आंसर्स को परफेक्ट आंसर बनाता है, आपका कंसेप्ट को परफेक्ट कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी चीज मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, डेट जो बोल रहा हूँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा, लगेगा कि अरे यार क्या है ये सब, कितना याद रखेंगे ये सब चीज। लेकिन जब इसका अगर आप अच्छे से समझते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसको कहानी की तरह लेते हैं और क्यूरियोसिटी मन में रहता है, तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज का एक फ्रेमवर्क याद हो जाएगा ना, तो ये सब चीज भी अपने आप याद होते चलेगा, ठीक है। तो 1793 जो आया, अभी देखिए हुगली पे दो ट्राई किए थे, पोर्तुगीज भी ट्राई किया हुगली पे कब्जा करने के लिए, इंग्लिश ट्राई किया, बट फिर भी दोनों हार गए। जैसे ही हार गए तो समझ गए कि अब हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमारी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली है, ठीक है। तो वो सब साइलेंटली अपना ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन 1739 बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल याद रखिए, बैटल ऑफ करनाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1739 बैटल ऑफ करनाल। बोलिए जो बैटल ऑफ करनाल जो था ये किसके बीच में हुआ था, नादिर शाह ये अटैक किया था, नादिर शाह इंडिया पे अटैक किया था, और उस टाइम पे जो राजा था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये नादिर शाह का जो अटैक था मोहम्मद शाह रंगीला पे, उसने मोहम्मद शाह रंगीला को धूम पीटा, उसको मुर्गा बना दिया, ठीक है, उसको मुर्गा बना के रखा। 70 करोड़ रुपए लूट के लेके गया वो नादिर शाह। 70 करोड़ लूटने के बाद पीकॉक थ्रोन, हमारा जो फेमस पीकॉक थ्रोन आप सुनो होगे, पीकॉक थ्रोन और डायमंड, जो हमारा जो कोहिनूर डायमंड हुआ करता था, ये सब को भी लेके जाएगा, ठीक है। तो ये सब जब नादिर शाह इतना सारा लूट पाट मचाएगा, ये सब प्रीशियस चीज लेके जाएगा, और जो देश का जो राजा है मोहम्मद शाह रंगीला, इसको मुर्गा बना के रखेगा, तब एक ये जो इवेंट होता है ना, ये इवेंट मैसेज देता है, ये इवेंट एक मैसेज देता है किसको, यूरोपियंस को। यूरोपियंस के जो भी थे, पोर्तुगीज या फिर ब्रिटेन, ब्रिटिश वाले या फिर डच या फिर फ्रेंच वाले, इस इवेंट के बाद ना सबको पता चल गया कि जो राजा है यहाँ का मर चुका है, उसका अब आत्मा है नहीं कुछ, अब वो ज्यादा कुछ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अब बाहर वाले आके उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उसको मुर्गा बना रहे हैं। तो ये जो मैसेज गया यूरोपियंस को, ये एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी की तरह वो लेते हैं, और उस चीज को यूरोपियंस लोग अच्छे से फायदा उठाते हैं, और जो इकोनॉमिक गेन के लिए आए थे, इकोनॉमी गेन के लिए जो आए थे, वो टर्न हो जाता है इकोनॉमी से पॉलिटिकल चीजों में, वो हस्ताक्षेप स्टार्ट कर देते हैं। तो अब पॉलिटिकल चीजों में वो क्या करने लगते हैं, इंटरफेयर करने लगते हैं, और धीरे 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 कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है यूरोपियंस लोग। तो ये जो रेस था पॉलिटिकल डोमिनेंसी अपना मेंटेन करने में, इस रेस में कौन कौन लगे हुए थे, सबसे पहले तो पोर्तुगीज लगा हुआ था, पोर्तुगीज वाले लगे हुए थे, उसके बाद डच वाले लगे हुए थे, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश वाले भी लगे हुए थे, और उसके बाद फ्रेंच वाले भी लगे हुए थे। तो ये जो चारों के चारों जो रेस में लगे हुए थे कि अब इकोनॉमी में उसी का ज्यादा पकड़ होगा जिसका पॉलिटिक्स में ज्यादा पकड़ होगा, जिसके अंडर में जितना ज्यादा रीजन होगा उसी के अंडर में ज्यादा इकोनॉमी होगा और उसी को ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा, किसी को अगर इसमें से अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। नो सर, डाउट नहीं है। किसी को डाउट नहीं है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो रेस, ये जो नादिर शाह का जो अटैक हुआ,
ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है यूरोपियंस को, और यूरोपियंस लग जाते हैं अपने पॉलिटिकल रेस में, सबको अब पॉलिटिक्स में अपना अपना हिस्सा चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये पॉलिटिक ये जो पोर्तुगीज और इंग्लिश, ये रेस, ये क्या होता है, 1662 में, 1662 में पोर्तुगीज और इंग्लिश का मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हो जाता है, मैट्रिमोनियल शादी हो जाता है। ठीक है, ये जो इंग्लिश के जो प्रिंस चार्ल्स थे और पोर्तुगीज के जो एक राजा की जो बेटी थी कैथरीन, कैथरीन और चार्ल्स का शादी हो जाता है, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हो जाता है पोर्तुगीज और इंग्लिश का। और बॉम्बे को पोर्तुगीज क्या करता है, इंग्लिश को एज ए डाउरी गिफ्ट दे देता है, एज ए डाउरी। ठीक है, दहेज में कितना, मतलब हमारा जमीन को इवन पोर्तुगीज वाले डाउरी में दे रहे हैं इंग्लिश वाले लोग को। ठीक है, तो कितना देखिए, मतलब उस टाइम पे मतलब कैसा सिचुएशन हो गया था। तो ये जो डाउरी में जो दे दिए पोर्तुगीज और इंग्लिश वाले, तो ये दोनों का जो कंपटीशन था, ये कंपटीशन खत्म हो जाता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो जाता है, ट्रीटी हो जाता है, और मतलब मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हो जाता है। तो ये पोर्तुगीज और इंग्लिश में इंग्लिश का सुप्रीमेसी स्टार्ट मतलब हो जाता है, और धीरे धीरे पोर्तुगीज का बहुत सारा रीजन वगैरह इंग्लिश लूट लेता है धीरे धीरे। तो पोर्तुगीज रेस से बाहर हो जाता है, ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो होता है इन दोनों का, तो रेस से बाहर हो जाता है अपना पोर्तुगीज। अब रहता है डच, डच भी, डच जो था ये भी धीरे धीरे इंग्लिश के साथ एक अलायंस कर लेता है। अलायंस, अलायंस मतलब किस तरीके का अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेता है। आज मेरा पेन का जो ये है वो टूट गया है, एक्चुअली लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगले क्लासेस से आप लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा एक्चुअली जो पेन है वो थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ क्लास में ही, एक्चुअली उसका प्रॉब्लम हो गया है। तो थोड़ा सा बियर कीजिए, अगली क्लास में आपका पूरा ये ठीक हो जाएगा, बट पता नहीं क्यों। चलिए छोड़िए, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए। तो ये जो डच और इंग्लिश का स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस में होता क्या है, डच वाले लोग को ज्यादातर ईस्ट एशिया में ट्रेड करना, ईस्ट एशिया में, तो इंडिया से उनको ज्यादा कुछ मतलब था, उनको सिर्फ वो इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना वाले रीजन, जापान वाले रीजन में ज्यादा इंटरेस्टेड। तो वो इंग्लिश के साथ क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेते हैं, और इंग्लिश को बोलते हैं कि आप अपना यहाँ पे जो भी है आप कीजिए, और हमको उनका जो भी था वो अपना बेच बाज के यहाँ से इंडिया से चल देते हैं। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाते हैं डच का इंग्लिश के साथ। रह जाते हैं फ्रेंच वाले, ये फ्रेंच वाले लोग का इंग्लिश के साथ अब मतलब पहले से यूरोप में दुश्मनी है और यहाँ भी दुश्मनी है, तो ये फ्रेंच वाले आसानी से छोड़ने वाले थे नहीं इंडिया को। तो इंग्लिश और फ्रेंच वालों के बीच में होता है लड़ाई, ठीक है, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच वार्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल एंग्लो कर्नाटिक वार भी बोलते हैं उसको, फ्रेंच के साथ जो लड़ाई होगा आप पढ़ेंगे तो उसको एंग्लो कर्नाटिक वार बोलते हैं। और यही फ्रेंच और इंग्लिश का, फ्रेंच का और इंग्लिश का, ये दोनों का क्या होता है, लड़ाई होता है, जिसको कि एंग्लो कर्नाटिक वार बोलते हैं, एंग्लो कर्नाटिक वार। ठीक है, एंग्लो कर्नाटिक वार जो कि खत्म होता है 1763 में, खत्म होता है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस में खत्म होता है। ये एक बेसिक चीज, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि ये जो जर्नी है, ये इस जर्नी के दौरान आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे मतलब ये हमारा जो हिस्ट्री है एंशियंट से धीरे धीरे कैसे कैसे हमारा ये जो इंडिया है धीरे धीरे जुड़ता है यूरोप के साथ, फिर यूरोप से कोलोनाइजेशन होता है। ठीक है, कोलोनाइजेशन होता है, और आपके जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है वो जो हमारा सिलेबस है 18 सेंचुरी से स्टार्ट होता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 18 सेंचुरी से आपका स्टार्ट होता है, 18 सेंचुरी, और 18 सेंचुरी से ही आपका पढ़ाई आप करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। बेसिकली 18 सेंचुरी में दो चीज होता है, एक तो क्या होता है, डिक्लाइन ऑफ मुगल, डिक्लाइन ऑफ मुगल 18 सेंचुरी में, जो औरंगजेब जब मर जाते हैं ना, तो औरंगजेब के मरने के बाद जो भी उनके जो भी सक्सेसर्स आते हैं वो इतना स्ट्रोंग नहीं रहते, और वो स्ट्रोंग नहीं हो रहते हैं तो वो जो मुगल्स का जो शासन है वो डिक्लाइन होने लगता है, धीरे धीरे वो वीक होने लगता है, और उसी का फायदा उठाते हैं ये यूरोपियंस वाले, और लास्ट में सब यूरोपियंस को पछाड़ के सुप्रीमेसी ये ब्रिटिश जो इंग्लिश वाले हैं वही अपना दबदबा बनाते हैं पूरा का पूरा इंडियन सब कंटिनेंट। ठीक है, ब्रिटिश वाले जीत जाते हैं।
तो 18th सेंचुरी में आप बेसिकली पढ़ोगे कि मुगल्स लोग, जो लेटर मुगल्स लोग आते हैं, वो कैसे कमजोर हो जाते हैं, वो कैसे वीक हो जाते हैं, और वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और उनका काम खत्म हो जाता है, बस नाम के ही वो पपेट, मतलब पपेट राजा वगैरह, मतलब नाम के राजा वगैरह टाइप वो हो जाते हैं। और उसके बाद 18th सेंचुरी में ही जब ये पपेट हो जाते हैं, नादिर शाह आक्रमण करता है, बैटल ऑफ करनाल 1739 ये जो होता है, तो उसी के बाद ब्रिटिशर लोग सब लोग रेस में लग जाते हैं और लास्ट में ब्रिटिशर जीतता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश क्या क्या टेक्टिक्स वगैरह यूज किया और कैसे इंडिया को किस तरीके का प्लानिंग, किस तरीके का स्ट्रेटेजी को यूज किया और अपना जो एनिमी है सबको हराया। तो चीज क्या है सीखने को मिलता है आपको कि आपको अगर इस रेस में, सिविल सर्विस का जो रेस आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप अभी जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या फिर यूपीएससी हो या फिर ओपीएससी, तो आपको भी अपने शत्रु को अच्छे से समझना पड़ेगा कि शत्रु जो है, आपका जो शत्रु कौन है, वो एग्जामिनर, ठीक है, वो क्वेश्चन किस टाइप का सेट कर रहा है, टॉपर्स लोग किस तरीके का स्ट्रेटेजी को फॉलो करके टॉप करते हैं, ठीक है। तो आपको भी एक रणनीति बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, प्लानिंग्स वगैरह करना पड़ेगा, वेरी वेरी क्रूशियल। जैसे कि ब्रिटिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो किस तरीके का टेक्टिक्स यूज करके यूरोपियंस को कैसे रेस से बाहर करते हैं और खुद का सुप्रीमेसी बनाते हैं पूरे इंडिया में। एक बाहर से आए हुए वो समंदर पार करके आके इंडिया में, हमारे देश में, हमारे ऊपर ही वो कैसे राज किए। तो ये चीज सीखना चाहिए ब्रिटिशर से, और आपको भी सीखना चाहिए कि कैसे कम टाइम में ज्यादा सिलेबस को कवर किया जाए, कम टाइम में किस डिरेक्शन में पढ़ा जाए कि ज्यादातर क्वेश्चंस वगैरह जो भी एग्जाम में आए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको बस क्वालिफाई करना होता है, तो सब आना जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन को आपको पढ़ के जाना है, 100% नहीं पढ़ सकते, मैक्सिमम पोर्शन को कवर करना है, स्मार्टली अपना प्लानिंग वगैरह बनाना है, उसको कवर करके बस उसी को बार बार रिवाइज करना। तो आपको समझना पड़ेगा आपका शत्रु कौन है और वो किस टाइप का चीज वगैरह आपको, मतलब किस टाइप का वो फॉलो कर रहा है, क्वेश्चंस वगैरह किस टाइप का आ रहा है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह है, कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप, कम टाइम में कैसे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और अपना सीट पक्का कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको ब्रिटिशर से सीखने को मिलेगा जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, तो ये सब चीज भी आपको ब्रिटिशर से सीखना चाहिए और आप उसको एडॉप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द अपकमिंग क्लासेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पूरा हम लोग जो पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड किए हैं 4 पार्ट्स में, ठीक है। 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, 18th सेंचुरी में जो मैं बताया कैसे मुगल्स लोग डिक्लाइन होते हैं और ब्रिटिशर्स वगैरह कैसे एस्टेब्लिश करते हैं अपना सुप्रीमेसी को, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चीज कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश जीतने के बाद वो कैसे धीरे धीरे कॉलोनाइज करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी पूरा इंडिया को पूरा कैसे वो अपने अंडर, कैसे पंजाब सिख स्टेट को कैसे जीत जाते हैं, कैसे बंगाल को जीतते हैं, कैसे आपके हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, बड़ौदा, राजपूत स्टेट, जाट लोगों को, अवध स्टेट, जितना भी धीरे 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 कैसे मराठा को जीतते हैं। तो वो जो रणनीति है, वो स्ट्रेटेजी है, वो किस टाइप का स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कॉलोनाइज करते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग इन द अपकमिंग क्लासेस। लास्ट में ये जब कॉलोनाइजेशन हुआ, उसके बाद में डेफिनेटली इंडिया वाले लोग को लेट से थोड़ा सा, वैसे तो लेट से थोड़ा सा उनको, उनका बत्ती जलता है, तो लेट से ही नेशनलिज्म का भावना आ गया। नेशनलिज्म में क्या है कि बाहर से कैसे फिरंगी आए और हम लोगों के पे राज कर रहे हैं, हमारे यहाँ लूटपाट कर रहे हैं और हम पे ही अत्याचार कर रहे हैं, एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, तो यही चीज क्या करता है, नेशनलिज्म को कल्टीवेट करता है, जिसमें कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स वगैरह भी आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स वगैरह आएंगे, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेशनलिज्म कैसे आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, 1885 से आपका 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है, और बाद में कैसे धीरे धीरे मॉडरेट्स पहले गाड़ी का स्टेयरिंग को पकड़ते हैं अपने फ्रीडम स्ट्रगल में, और कैसे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को आगे लेके जाते हैं। फिर धीरे धीरे मॉडरेट्स वगैरह के बाद में आते हैं एक्सट्रीमिस्ट के बाद कैसे गांधी आते हैं, गांधी आके फिर उसको मास मूवमेंट करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप पढ़ेंगे कि क्विट इंडिया, सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया,
क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे कंटेम्परेरी हिस्ट्री, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये फोर टाइप्स में हम लोग पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को फोर टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, और इसी को हम लोग अपकमिंग क्लासेस में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, एनी डाउट्स? नो सर। और बाकी सब लोग, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आई गेस किसी का कुछ डाउट वगैरह नहीं है, राइट? यस सर। ऑडिबल? यस सर। ओके, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री को, इसका जो पहला पहला जो यूनिट है 18th सेंचुरी, इसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप अपना हेडिंग दे सकते हैं अभी, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी, और या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी आप लिख सकते हैं। सर आप क्लास क्लास का नोट्स प्रोवाइड करेंगे या लाइक पीडीएफ में देंगे नोट्स? आप लोगों को मटेरियल्स वगैरह मिला हुआ है ना, तो मटेरियल्स को एक्चुअली आप अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, और इसी में आपको नोट्स वगैरह भी मैं डिक्टेट करूंगा, ठीक है? तो आप खुद नोट्स वगैरह आप लिखेंगे और खुद बना भी सकते हैं, और मैं अभी डिक्टेट भी करूंगा, उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो नोट्स, ये जो पीडीएफ है, ये सब पीडीएफ वगैरह भी मैं सेंड कर दूंगा, वो वैसा कुछ इशू नहीं है। बट आपको ज्यादा फ्रूटफुल क्या होगा कि आपको जो मटेरियल दिया गया ये जो पढ़ाने के बाद, आप अपने मटेरियल में जाइए, उसको पढ़िए एक बार, खुद से एक बार ब्रीफली पढ़िए जो चीजों को। पढ़ लेने के बाद में अगर कुछ डाउट होता है तो मेरे को इन द नेक्स्ट क्लासेस पूछिए, और उसी से नोट्स वगैरह बनाइए खुद का, और मैं जो नोट्स बुला रहा हूँ वो उसको भी नोट कीजिए, ठीक है? दो अपना नोट्स बनाइए और मेरा भी नोट्स वगैरह भी लिखिए, और साथ साथ अपना प्रिपरेशन को लेके चलिए, ठीक है? तो इसमें कुछ डाउट वगैरह भी अगर होगा तो आगे हम लोग देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ वगैरह है ये, इसमें सिर्फ आउटलाइन वगैरह में अभी बनाया, पूरा पीडीएफ वगैरह अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो मटेरियल है, आपके मटेरियल में हर टाइप का चीज वगैरह आपको मिल जाए, ठीक है? उसी से नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी बनाते हैं तो उसको एक बार बेसिकली मतलब थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू करके पढ़ लीजिए, और मैं अभी डिक्टेट भी करूंगा जो इम्पोर्टेंट चीज वगैरह है, मैं डिक्टेट करूंगा तो उसको लिखते चलिए आप, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सो फाइन। तो फर्स्ट ऑफ हाफ ऑफ 18th सेंचुरी से हमारा एक्चुअली स्टार्ट होता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी का मतलब सबको, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, 1700 से लेके 1799 तक, ठीक है? तो इस टाइम पीरियड को हम लोग एक बेसिकली 18th सेंचुरी बोलते हैं, और उस टाइम पे हमारा जो पॉलिटिकल, हमारा जो पॉलिटिकल मैप था इंडिया का, इंडिया का पॉलिटिकल मैप के बारे में अगर देखा जाए, एक सेकेंड, हाँ, तो हमारा जो मैप है, पॉलिटिकल मैप जो था तब 1700 से 1799 के बीच में, हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरीके के साथ, इस तरीके के साथ था, और आप इसको खुद अपने जो नोट है उसमें बना दीजिए, ठीक है? मैं जैसे बना रहा हूँ रफली, आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है? ये वाला जो रीजन है इसको बंगाल बोलते थे उस टाइम पे, ऐसे बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, उस टाइम पे ये ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और आसाम का कुछ रीजन, ये सबको मिला के बंगाल बोलते थे, ठीक है? उस टाइम पे तो ये पॉलिटिकल मैप उस टाइप का ऐसा हुआ करता था, यहाँ पे बंगाल हुआ करता था, और ये जो यूपी बिहार वाला रीजन है
इसको अवध बोलते थे, ठीक है, AWADH भी लिख सकते हैं, OUDH भी लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, इसको अवध बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे सादत खान रूल क्या करते थे उस टाइम पे? अरे जो बंगाल हुआ करता था, यहाँ पे मुगल्स लोग रूल किया करते, मुगल्स लोग रूल किया करते थे बंगाल में, सादत खान रूल करते थे अवध में, ठीक है। और ये वाला जो इलाका था, ये होता था सिख स्टेट, यहाँ पे सिख वगैरह का ज्यादातर तो रूल हुआ करता था। और ये बीच में, ये वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है, कुछ छोटा 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 रीजन है, यहाँ पे आपका रोहिला खंड हुआ करता था, रोहिला खंड। रोहिला खंड यहाँ की चारुमन जाट वगैरह भी रूल किया करते थे, यहाँ पे जाट लोग यहाँ पे थे, जाट वगैरह यहाँ पे, जाट में चारुमन जाट वहां रूल करते थे, चारुमन जाट, चारुमन जाट। ये जो रीजन हुआ करता था, ये बड़ा वाला जो रीजन है, ऐसे इस टाइप का है ना, ये राजपूत स्टेट हुआ करता था, ये राजपूत लोग यहाँ पे, जो राजस्थान वाला जो रीजन है, वहाँ पे राजपूत स्टेट हुआ करता था, जहाँ की सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, राजपूत में सवाई जय सिंह का नाम आप याद रखिए, वहां रूल करते थे वो सवाई जय सिंह। और ये था बड़ोड़ा, बड़ोड़ा यहाँ पे गायकवाड़ जो मराठा वाले, गायकवाड़ बेसिकली जो बड़ोड़ा वाला रीजन है यहाँ पे, ये वाला बड़ोड़ा वाला रीजन है, ठीक है, बड़ोड़ा वाला रीजन है, वहां पे गायकवाड़ लोग यूज रूल करते थे, गायकवाड़, GAIKWAD, गायकवाड़। और इसी के ये वाला जो रीजन है ना, ये बड़ा वाला रीजन, यहाँ पे पेशवा लोग रूल करते थे, पेशवा, PESH, यहाँ पेशवा रूल करते थे, ये वाला सर्कल में, PESHWA, जो मराठा वाला जो पेशवा वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, और मिडिवल में भी आप पढ़ोगे। और ये जो है नीचे, नीचे ये जो है, यहाँ पे हैदराबाद हुआ करता था, यहाँ पे हैदराबाद, और हैदराबाद के नीचे यहाँ पे कर्नाटिक हुआ करता था, हैदराबाद यहाँ पे लिख लीजिए हैदराबाद, और यहाँ पे कर्नाटिक, CARNATIK, कर्नाटिक स्टेट, हैदराबाद और कर्नाटिक स्टेट में निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल UL, उल MUL के, ये MUL के, ठीक, निजाम उल मुल्क, ये निजाम उल मुल्क रूल करते थे ये कर्नाटक और हैदराबाद में। और ये जो है, ये वाला जो बीच में जो बच गया स्पेस, यहाँ पे मैसूर रूल करता था, मैसूर, ये जगह को मैसूर बोलते थे, मैसूर, ट्रावेनकोर, मैसूर, यहाँ पे लिख दीजिए मैसूर, यहाँ पे लिखिए ट्रावेनकोर,
ट्रावनकोर, TRAVANCORE, TRAVANCORE, ट्रावनकोर। और वहां पे मार्तंड वर्मा एक्चुअली उस टाइम पे रूल करते थे, मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा। यहाँ पे मार्तंड वर्मा रूल किया करते थे। यहाँ पे आसपास काबुल हुआ करता था, काबुल, काबुल। और यही काबुल को अगर देखेंगे, इंडिया को जो जोड़ता था उस पास को बोलते थे खैबर पास। यहाँ पे लिखिए खैबर पास, KHY, खैबर पास, KHYBER, खैबर पास। पास उसको बोलते हैं जो कि एक रीजन से दूसरे रीजन को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं पास। और खैबर पास काबुल को एक्चुअली इंडिया से वो कनेक्ट करता था, इंडियन सब कंटिनेंट को, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल एशिया हुआ करता था, यहाँ पे सेंट्रल एशिया, यहाँ से गजनी वगैरह भी आया आया कि आया कर, मतलब अटैक वगैरह किए थे। और यहाँ ईरान वाला जो रीजन है उसको कांधार बोलते, कांधार, ईरान, ईरान वाला जो रीजन है उसको कांधार बोलते थे, ठीक है। तो आपका पुराने जमाने में ये जो कांधार वाला जो रीजन था, कांधार, ये जो कांधार, अगर बाहर से कोई भी अटैक कर रहा है ना, तो ये जो रीजन है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते थे फर्स्ट डिफेंस लाइन। अगर किसी राजा को बाहर से कोई अगर अटैक कर रहा है और उस अटैक को अगर रोकना है, तो ये पहला डिफेंस लाइन है कि यहाँ पे आके वो रोक सकता है, ठीक है, सबसे पहला डिफेंस लाइन। और दूसरा डिफेंस लाइन है आपका, यहाँ पे इंदस नदी वगैरह बहता है, यहाँ पे इंदस नदी वगैरह यहाँ पे बहता है, और देखेंगे यहाँ पे इंदस नदी, कि इंदस नदी जो है ये सेकंड डिफेंस लाइन है आपका। अगर अगर इनकेस आप अगर कांधार वाले रीजन पे किसी राजा ने अगर वो बाहर के जो अटैक हो रहा है अगर वहां पे अगर डिफेंड नहीं कर पाया, अगर वो शायद वो अगर शत्रु इसके आगे अगर चले आया, तो सेकंड डिफेंस लाइन, ये जो सेकंड डिफेंस लाइन है यहाँ पे आके वो रोक सकता है, सेकंड डिफेंस लाइन, इंदस नदी, इंदस रिवर, ठीक है। और जो थर्ड डिफेंस लाइन है वो है यहाँ पे सिख स्टेट के पास, यहाँ पे लाहौर, लाहौर तब वहीं पे हुआ करता था, लाहौर। यहाँ पे एक रीजन है सिख स्टेट में, आप लाहौर बोल के आप लिख सकते हैं लाहौर। और ये लाहौर जो है, लाहौर होता था थर्ड डिफेंस लाइन, थर्ड डिफेंस लाइन, ये फर्स्ट डिफेंस लाइन, ये सेकंड डिफेंस लाइन। राजा यहाँ भी डिफेंस कर सकता है, अगर यहाँ से भी अगर शत्रु आक्रमण कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो थर्ड है लाहौर, लाहौर में वो उसको डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है, लाहौर में डिफेंड कर सकते हैं। और लाहौर में भी अगर डिफेंड नहीं कर पाया अगर राजा, तो फोर्थ डिफेंस लाइन हो गया पानीपत। तो आप देखेंगे कभी भी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत,
जब हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जब बाबर बाबर ने आक्रमण किया था, बाबर अटैक जब करते हैं तो पानीपत का लड़ाई उसी को बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था बाबर का, हुआ था लोधी के साथ, जिसमें इब्राहिम लोधी थे, उन दोनों का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। उस टाइम में बाबर जीत जाता है, हालांकि बाबर सिर्फ 12,000 उनके पास मिलिट्री थे, 12,000, और इब्राहिम लोधी के पास थे 80,000 सोल्जर, फिर भी 12,000 भारी पड़ जाते हैं 80,000 के ऊपर। ये मिडिवल हिस्ट्री में आपको जो भी पढ़ाएंगे वो आप वहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से। तो वो जो मेरा कहानी, मेरा मतलब बोलने का मतलब है कि जो भी इंडिया का, इंडिया के ऊपर जब भी किसी ने कब्जा किया है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज पानीपत के लड़ाई से जुड़ा हुआ। कोई भी पहला बैटल ऑफ पानीपत बाबर जीतता है और फिर इंडिया में उसको एंट्री मिलता है, पास मिलता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हेमू, जो अकबर, अकबर एक्चुअली फाइट करते हैं, और अकबर तब छोटे थे, तो उनके उनके तरफ से हेमू, हेमू कैप्चर कर लिए थे और उनके तरफ से बैरम खान एक्चुअली हेल्प करते हैं। तो वो दोनों के बीच का जो लड़ाई था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि फिर अकबर को पास मिलता है इंडिया में रूल करने के लिए। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है, जिसमें कि मराठा 1761 में, हाँ 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है, तो 1761 में मराठा का जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ाई होता है। तो ये सारा का जो लड़ाई हो रहा था, सारा का सारा जो बाहर से जब भी अटैक कर रहे थे, वो क्वेश्चन आता है कि पानीपत में क्यों होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आप बोलोगे कि अगर किसी राजा फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन, सेकंड डिफेंस ऑफ लाइन और थर्ड डिफेंस ऑफ लाइन में अगर डिफेंड नहीं कर पाता है, तो सबसे इंडिया का जो गेट हो जाता है वो होता है पानीपत, और फोर्थ डिफेंस लाइन में हमारे जो इंडिया का जो राजा है वो जाके वहां पे उसको रोक सकता है। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन डैट जब भी बाहर से इन्वेट होते थे और राजा को अगर रोकना था तो वो पानीपत में आके रोकता था, और इसीलिए वो जो बैटल होता था उसको बैटल ऑफ पानीपत कहते। ये एक रीजन है जो क्या आता है। इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से बना लीजिएगा, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं डायग्राम में, और कुछ भी ये कंसेप्ट में। Am I audible to you guys? Yes sir, audible. किसी को कुछ डाउट है? नहीं काकू, डाउट किसी को अच्छी की? सर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है? डाउट को देखो ये क्लास से बाहर लेके नहीं जाना, कुछ भी डाउट हो उसको यही क्लियर करना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आप पढ़ते हो जाके और फिर डाउट निकलता है पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, सारा का सारा क्लियर होना चाहिए, एकदम पूरा साफ होना चाहिए। तो पूरा साफ साफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? Yes, बाकी सब लोग आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ओके, मेरे को लग रहा है किसी को डाउट वगैरह नहीं है, बट फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें आप पहले जाइए, आप अपना अच्छे से वो जो आपका जो मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ उसमें से जो भी डाउट वगैरह नोट्स अगर बना सकते हैं अच्छा है, नहीं तो मैं तो डिक्टेट करूंगा ही, और अगर बनाएंगे तो अच्छी बात है, वैसे अपना नोट्स आपको काम आएगा अच्छे से, और जो भी डाउट वगैरह हो मेरे को पूछ सकते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, और कभी भी डाउट वगैरह जो भी होगा उसको क्लियर कीजिए, बिल्कुल भी मतलब